तो ज्ञानवापी परिसर में पूजा शुरू हो चुकी है। वाराणसी के लोग इस घड़ी का इंतजार पिछले 3 दशकों से कर रहे थे। जो लोग आज दर्शन करने विश्वनाथ मंदिर पहुंचे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन काशी में अदालत के आदेश का विरोध भी हो रहा है, इसलिए पूरे इलाके में भारी फोर्स को तैनात किया गया है। ज्ञानवापी परिसर में पूजा के बाद कैसा है वाराणसी का माहौल, देखिए देशहित की ये स्पेशल रिपोर्ट। ज्ञानवापी के तहखाने में महादेव की आरती, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा ज्ञानवापी परिसर। खत्म हुआ भोले के भक्तों का 30 साल का इंतजार। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद रात 2 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही करीब 30 साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में आरती सुनाई दी। भोले के भक्तों में आस्था है, उल्लास है, उमंग है और सबसे ज्यादा इतना लंबा इंतजार खत्म होने का सुकून। ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत को हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत मान रहा है। ऐसा लग रहा है कि आंखें धन्य हो गई हैं और आंख से पानी निकल रहा है कि उस स्थान को हमने देखा जहां पर आदि विश्वेश्वर थे। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, आप आएं और दर्शन करें और अलग अनुभव मिलेगा आपको। हर हर महादेव। हमारा पुराना अस्तित्व है, वहां कायम है, जिसको ढकने का प्रयास किया गया था लेकिन वो खुल चुका है। मूल स्थल है व्यास का, उसका दर्शन प्रथम बार देखे हम लोगों को करने का मिला। काशी में खुशियां मनाई जा रही हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। पहले काशी विश्वनाथ का कायाकल्प और अब ज्ञानवापी में पूजा अर्चना। वाराणसी के लोगों को खुशियों का डबल डोज मिल गया है, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। ओम नमः पार्वती पते हर हर। इस तरह का माहौल है। आप बताइए, पूजन शुरू होने के बाद काशी में किस तरह का माहौल है? हर जगह बम-बम है, हर जगह बम-बम, हर जगह हर हर महादेव। खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है, एक उम्मीद जाग पड़ी है कि हमें हमारी बाबा पूर्णतः मिल जाएंगे। वाराणसी में कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं विरोध के सुर भी सुनाई दिए, हालांकि वो इतने ऊंचे नहीं थे। एहतियात के तौर पर मदनपुरा दाल मंडी और जैतपुरा को जरूर बंद करवा दिया गया। अभी के माहौल को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा पीएसी को भी लगाया गया है। व्यास जी के तहखाने में पूजन शुरू हुआ, उसके बाद माहौल बहुत अच्छा माहौल है। आरती हो रहा है, पूजन हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है। आप बताइए अभिषेक, किस तरह का माहौल है? देखिए, काशी गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, न्यायप्रिय शहर है और यहाँ पर जो भी हो रहा है कानून के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि भारत न्यायपालिका पर विश्वास करता है और जो हमें प्राप्त हुआ है वो न्याय के आदेश के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो हम सभी कौम से, सभी धर्मों से यही करते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब बनाए रखें। वाराणसी के ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में बंदी का माहौल है। कल शुक्रवार है, ऐसे में जुमे की नमाज को देखते हुए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। हालांकि लोगों का मानना है कि अब तो कोर्ट ने आदेश दे दिया है, लिहाजा मुस्लिम पक्ष को केस छोड़ देना चाहिए। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुका है। वाराणसी जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों की मौजूदगी में 5 ब्राह्मणों द्वारा पूजा संपन्न कराई गई देर रात। यहां पर पुलिस कमिश्नर, यहां के कमिश्नर और जो कार्यपालक अधिकारी हैं वो सभी लोग यहां पर मौजूद थे।